हेलो स्टूडेंट्स, एवारम वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें मेनली तीन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, जिसके अंदर आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। यानी हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम बात कर रहे थे कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन के अंदर हमने देखा कि प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके अंदर एक ही एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। इट्स आल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेयर इज इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज आर बेसिकली थ्री टाइप्स, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोट्स जो हैं और उनका कंपैरिजन अगर हम प्रोकैरियोट्स से करें तो क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इन यूकैरियोट, इन यूकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्सिटीज इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यानी हम कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और मेनली कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हैं, दो कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको हम आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इन यूकैरियोट्स देयर आर थ्री आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। यानी हमने डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन है, यानी इन्होंने काम को बांट रखा है। हम कह सकते हैं देयर इज क्लियर कट ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लेबर ऑफ डिवीजन, यानी ये काम जो है उसको बांटते हैं, काम को बांटकर करते हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो अलग वर्क करता है, सेकंड है वो अलग वर्क करता है, थर्ड है वो अलग वर्क करता है। क्योंकि आपने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो क्या करता है, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स द आरआरएनए। यानी हमने डिस्कस किया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन होते हैं यूकैरियोट्स में, और तीनों अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तीन टाइप के हैं, लेबर ऑफ डिवीजन है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए है उनका सिंथेसिस करता है। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए, और उसी तरीके से हम कह सकते हैं वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब्स द टी आर एन ए। तो देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड की,
लेकिन हम बात करेंगे किसकी, सेकंड की, क्योंकि जो सेकंड जो आरएनए पॉलीमरेज़ है वो किसका सिंथेसिस करता है, एमआरएनए का। और एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका मेजर रोल होता है किसका, एमआरएनए का। तो अब हम बात करेंगे किसकी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, यानी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्स द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए दैट नोन एज हिटेरोजिनस न्यूक्लियोलर आरएनए, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचएनआरएनए। ध्यान से देखिए, हिटेरोजिनस न्यूक्लियोलर आरएनए बोल रहे हैं इसको, क्यों बोल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा अभी, जब न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, हिटेरोजिनस न्यूक्लियोलर आरएनए, क्योंकि ये अनमैच्योर है और इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होंगी और फिर वो मैच्योर आरएनए के अंदर चेंज होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए। लेकिन जो नया बनता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो एमआरएनए है, इट्स नोन एज हिटेरोजिनस न्यूक्लियोलर आरएनए, और इसे हम कह सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी एमआरएनए से पहले की स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे और वही क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एचएनआरएनए होता है, इट कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन पार्ट्स। अब यहां पर ये देखिए, एक्सोन और इंट्रोन पार्ट्स क्या होते हैं, देखिए एक्सोन पार्ट होता है वो होता है नॉन फंक्शनल, यानी जो आरएनए बनता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोन होता है, एक इंट्रोन होता है। एक्सोन पार्ट जो होता है वो एक्टिव पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है। इंट्रोन पार्ट क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो इंट्रोन है और एक्सोन दोनों है, तो इंट्रोन को अलग करेंगे तभी क्या बनेगा, मैच्योर आरएनए बनेगा, और इसीलिए ये क्या होता है, इट इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब देखिए, एक्चुअल के अंदर हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, प्रोसेस है किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज है। कॉम्प्लेक्सिटीज ये है कि प्रोकैरियोट्स में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, बट यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज हैं जो अलग अलग आरएनए का सिंथेसिस कर रही हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट द आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्रिप्ट द टीआरएनए, बट सेकंड ट्रांसक्रिप्ट द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। यानी जो एमआरएनए बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा नॉन फंक्शनल, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सोन और इंट्रोन। एक्सोन क्या है, फंक्शनल पार्ट, और इंट्रोन क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट। तो इसे लिए क्या है, ये अनस्टेबल है, तो इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी अपने को, और वो प्रोसेसिंग को हम आज डिस्कस करना है। यही क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स।
जिसके अंदर आपने देखा कि HNRNA बनता है, जो जिसे हमने कहा है हेटेरोजीनस न्यूक्लियोलर RNA। तो इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक टर्म दे रहा हूँ, एक तो होती है कैपिंग और एक होती है टेलिंग। देखिए कैपिंग एंड टेलिंग, आपके NCERT में तो सीधा ही दे रखा है, ये टर्म्स नहीं दे रखी कैपिंग एंड टेलिंग, बट इस प्रोसेस को डिटेल में दे रखा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैपिंग क्या होती है और टेलिंग क्या होती है। देखिए हेटेरोजीनस RNA की अगर हम बनाएं, तो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं NCERT की। NCERT के अंदर जो डायग्राम है उसको भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या है 5' एंड है, और ये क्या है 3' एंड, किसका? RNA का। और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब है ये जो mRNA बना है सबसे पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। और ये क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है। और इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियोलर RNA। इसके अंदर क्या होता है, देखिए कि पार्ट्स होते हैं, जो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन। तो मान लीजिए ये एक्टिव पार्ट है, इसको मैंने शो कर दिया एक्सोन फर्स्ट। इसके बाद इसमें क्या हो गया, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। उसके बाद हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्सोन। इसके बाद ये क्या है, नॉन फंक्शनल यानी इंट्रॉन। और इसके बाद ये क्या है, एक्सोन थर्ड। देखिए इसमें अलग अलग एक्टिव पार्ट हैं जिसको मैंने क्या कहा है, एक्सोन। एक्सोन क्या है? एक्टिव पार्ट है। इंट्रॉन क्या है? नॉन फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, इनएक्टिव पार्ट है। और जो सबसे पहले जो mRNA बना है, इसको मैंने mRNA नहीं बोला है, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव और नॉन फंक्शनल है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस mRNA के जो पार्ट होते हैं, तो उस पार्ट्स को या इंट्रॉन पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब अगर इसके पार्ट्स को रिमूव कर देंगे हम, और कौन से पार्ट्स को रिमूव करेंगे, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, यानी इसका इंट्रॉन पार्ट जो है अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, यानी एक्सोन फर्स्ट, एक्सोन सेकंड और एक्सोन थर्ड। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, जो नॉन रिएक्टिव पार्ट है इंट्रॉन पार्ट, उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। रिमूव कर दिया है तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब इस HNRNA को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम mRNA। अब देखो, अब यहाँ पर कैपिंग और टेलिंग क्या है, ये एक्टिव तो हो गया यानी हमने इसके इंट्रॉन को हटा दिया, और ये जो 5' एंड है, इस 5' एंड पे हम किसको अटैच करेंगे, यहाँ पर हम अटैच करेंगे 7-methyl guanosine। यानी यहाँ पर हम 5' जो एंड होता है उसमें क्या होता है कि अपनी सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पर 5' जो एंड होता है RNA का, वहाँ पर एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं 7-methyl guanosine। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कैपिंग। वैसे ही जो 3' एंड है, इसमें हम जोड़ देंगे पॉलीएडिनिन। क्या जोड़ देंगे? पॉलीएडिनिन। पॉलीएडिनिन का मतलब है बहुत सारे एडिनिन, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेलिंग। अब आप देखिए, कैपिंग और टेलिंग का मतलब आप समझ गए कि 5' एंड पे तो हम जोड़ रहे हैं 7-methyl guanosine, और 3' एंड पे जोड़ रहे हैं पॉलीएडिनिन। क्यों जोड़ रहे हैं इसको, कैपिंग टेलिंग क्यों हो रही है इसकी, रीज़न क्या है इसका?
रीज़न ये होता है कि अगर एच एन आर एन ए है, अगर इसकी टेलिंग और कैपिंग अगर हम नहीं करेंगे तो अपनी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो इसको डिग्रेड कर देगा। यानी न्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं। तो आरएनए भी क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जैसे डीएनए है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए, इसको तोड़ देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें डैमेज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए इसमें 7-methyl guanosine जुड़ता है, जिसे कैपिंग कहते हैं, और पॉलीएडिनिन जुड़ता है 3-desend में, जिसको बोलते हैं टेलिंग। तो अब ये क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम फ्रॉम डिग्रेडेशन। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन नहीं होगा और न्यूक्लियस एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो कैपिंग और टेलिंग हो गई और इंट्रोन पार्ट हट गए, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और एक्टिव हो गया तो अब इसको हम क्या बोल देंगे, mRNA। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमने देखा। अब बात करते हैं NCERT की। NCERT में ये डायग्राम नहीं दे रखा, तो फिर भी हम इसको बनाएंगे और इसके पैरेलल में ही हम क्या करेंगे, NCERT के डायग्राम को लेबल्ड करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए DNA है, सबसे पहले ये DNA है, और ये है 3-desend, और ये है मान लो 5-desend। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, 5-desend और 3-desend। अब यहाँ पर देखिए, जो ये 3-desend है, इस पर मान लो इलोंगेशन हो रहा है, और ये क्या है, RNA पॉलीमरेज। और DNA स्ट्रैंड पे क्या बन रहा है, RNA पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड है, इलोंगेशन कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, RNA, mRNA बन रहा है मान लो। तो अब जो आपके NCERT में डायग्राम दे रखा है mRNA का, वो ऐसा दे रखा है, ये तो 5-desend है, ये इसका 3-desend है, और इसके ऊपर उससे पार्ट्स शो कर रखे हैं। ये पार्ट्स जो आपको शो कर रखे हैं, ये कौन से पार्ट हैं, ये हैं आपके इंट्रोन वाले पार्ट। कौन से पार्ट है ये, इंट्रोन। इंट्रोन मीन्स ये इनएक्टिव पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, एग्जोन है। उसके बाद आपको जो डायग्राम शो कर रखा है स्प्लाइसिंग के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, कांट छांट। तो इंट्रोन वाले पार्ट हट जाएंगे, तो ये क्या हो गया फिर, इसको मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, इसका मतलब हमने इंट्रोन वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी फिर, कैपिंग हो जाएगी, यानी 7-methyl guanosine अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेलिंग, यानी पॉलीएडेनिन ग्रुप जुड़ जाएगा इस प्रकार से, पॉलीएडेनिन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7-methyl guanosine जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है स्प्लाइसिंग के अंदर, जो HNRNA होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसमें एक्टिव पार्ट भी और इनएक्टिव पार्ट भी है। एक्टिव पार्ट है एक्जोन और इनएक्टिव पार्ट क्या है, इंट्रोन। इंट्रोन को हटा दिया तो क्या हो गई, स्प्लाइसिंग। और कैपिंग का मतलब है 5-desend पे 7-methyl guanosine जोड़ दो, और 3-desend पे पॉलीएडेनिन जोड़ दो, जिससे न्यूक्लियस एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे और ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। और इसको NCERT के डायग्राम से हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें से इंट्रोन हमने हटा दिए हैं। तो इस प्रकार से HNRNA है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो mRNA बना है, उसको हम एक्टिव या मैच्योर mRNA के अंदर चेंज कर सकते हैं, और होता भी ऐसा ही है। और ऐसा हो जाएगा तो फिर इसको साइटोप्लाज्म में इसको रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि एक्टिव होता है ये, तो रिलीज कर देंगे। अब देखो इसको क्या बोला है मैंने, हेटेरोजीनस न्यूक्लियोलर RNA। क्यों बोला, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हेटेरोजीनस का मतलब है अलग अलग पार्ट हैं, एक्जोन भी है और इंट्रॉन भी है। न्यूक्लियोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है ये, इसलिए इसको हेटेरोजीनस न्यूक्लियोलर RNA बोल रहे हैं। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देंगे, फिर हम इसको क्या बोल देंगे, mRNA। तो इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर ये जो फिनोमिना है इसको हम नोट करेंगे। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप।
देखिए, अभी हमने देखा कैपिंग और टेलिंग, और इसमें अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो नोट्स लिखेंगे अब इस, हम इसके नीचे डायग्राम के नीचे हम कह सकते हैं 7-methyl गुआनोसिन एडेड टू 5- इट्स कॉल्ड कैपिंग प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, कैपिंग प्रोसेस कहेंगे। यानी हमने अभी देखा कि 7-methyl जो गुआनोसिन है वो 5- के ऊपर अटैच हो जाता है, और इसके बाद हमने देखा कि जो कैप है उसका काम क्या है, कैप प्रोटेक्ट mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम एंड आल्सो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट, आल्सो प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू राइबोसोम। यानी हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे, तब आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, राइबोसोम में। तो एमआरएनए जो है वो राइबोसोम जो है वो एमआरएनए पर अटैच होता है, तो वो अटैच होने के लिए जो साइट, जो जगह जो प्रोवाइड करता है, जो रीजन प्रोवाइड करता है, वो आपका कौन करेगा, कैपिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका टेलिंग। टेलिंग में हम जोड़ रहे हैं एडिनिन, पॉलीएडिनिन। क्यों बोला है? कि बहुत सारे एडिनिन न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं, और बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेलिंग। और कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, 200। यानी हम कह सकते हैं 200 एडिनोसाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड अटैच एट 3- ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, और इसको हम क्या बोलते हैं, हिटेरोजिनस आरएनए, इट्स कॉल्ड टेलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, टेलिंग बोलते हैं। और इट्स आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये हमने बात कर ली कैपिंग और टेलिंग की। पहले हमने डायग्रामेटिक इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम नोट करेंगे, तो नोट कीजिए इसको आप। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्प्लिट जीन की। तो देखिए, स्प्लिट जीन क्या होती है, कि अभी हमने देखा कि आरएनए है उसमें फंक्शनल पार्ट भी होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है। किससे बना था वो, एमआरएनए जीन से या डीएनए से? तो है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जीन में ही, क्योंकि जीन में भी तो नॉन फंक्शनल पार्ट है, तभी तो आरएनए में क्या हुआ है, नॉन फंक्शनल पार्ट बना है। तो ऐसी जीन जिसके अंदर नॉन फंक्शनल पार्ट होता हो और फंक्शनल पार्ट भी होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन। यानी हम कह सकते हैं जीन विच कंटेन नॉन फंक्शनल पार्ट अलोंग विद
अलोंग विद द फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड स्प्लिट जीन। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं, जिसमें क्या होता है नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है और फंक्शनल पार्ट भी होता है। तो नॉन फंक्शनल यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके, इंट्रॉन की, और फंक्शनल पार्ट हम बात कर रहे हैं एक्जॉन की। तो जीन या डीएनए का पार्ट है उसके अंदर भी एक्जॉन इंट्रॉन है, तभी वो किस में आए हैं, एमआरएनए के अंदर, क्योंकि एमआरएनए बना किससे है, डीएनए से। यानी हम कह सकते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड इंट्रॉन एंड फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एक्जोन। और जो अभी हमने पढ़ा वो क्या थी, स्प्लाइसिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। स्प्लाइसिंग का मतलब हमने किसको रिमूव किया था, इंट्रॉन को, यानी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन पार्ट इन स्प्लिट जीन और एचएनआरएनए। एक ही बात है, एमआरएनए से भी तो हम हटाते ही हैं इसको, और एचएनआरएनए इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में कि आरएनए बना किससे, डीएनए से, और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए के जिस सेगमेंट पे, उसको हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसके तीन पार्ट थे, एक प्रमोटर पार्ट था, एक स्ट्रक्चरल पार्ट था और एक टर्मिनेटर पार्ट था। ट्रांसक्रिप्शन किससे होता है, आरएनए पॉलीमरेज से। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है जो तीनों प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस करता है। इन यूकैरियोट्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएशन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट थ्री डैश एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, इट्स कॉल्ड इनिशिएशन, एंड सिग्मा फैक्टर हेल्प्स टू इनिशिएशन प्रोसेस। आफ्टर दैट इलोंगेशन, इलोंगेशन यानी डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड की प्रूफ रीडिंग होती है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद टर्मिनेशन, टर्मिनेटर साइट जो होती है, और जहाँ से इनिशिएशन होता है वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रिबनोबॉक्स बोलते हैं, जिसमें सिक्स नाइट्रोजन बेस पेयर थे, TATAAT, और यूकैरियोट्स के अंदर जो था टाटा बॉक्स, उसके अंदर सेवन नाइट्रोजन बेस पेयर थे, TATAAAA। और उसके बाद हमने देखा कि जो बनता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो एमआरएनए बनता है वो एक्टिव होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर उसमें एक्टिव पार्ट भी होता है, नॉन एक्टिव पार्ट भी होता है। एक्टिव पार्ट को बोला था एक्जॉन और नॉन एक्टिव पार्ट को हमने बोला था इंट्रॉन। इंट्रॉन को हमने हटा दिया था, उसे बोला स्प्लाइसिंग प्रोसेस। फिर हमने की कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग के अंदर हमने देखा कि कैपिंग के अंदर तो 5' एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन जोड़ते हैं, और 3' एंड पे जोड़ते हैं पॉली एडेनिन। और ये कैपिंग और टेलिंग क्यों कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए उसको हमने क्या कर लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था। हिटेरोजिनस आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में है और इसमें दो पार्ट होते हैं, इंट्रॉन और एक्जॉन, तो इसको बोलते हैं हिटेरोजिनस पार्ट। जब ये एक्टिव हो जाता है तो एमआरएनए बन जाता है और उसको साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम,
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमने नोट्स में ऐड नहीं किया। हम इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ऐड भी कर सकते थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा एग्जाम के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो डीएनए है उसमें दोनों जो स्टैंड हैं उन पे आरएनए क्यों नहीं बनता, क्यों उनकी कॉपी नहीं होती, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे आपको ये नोट नहीं करना लेकिन हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। जैसे ये स्टैंड है, मान लीजिए इसमें एडिनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन है। अगर इससे आरएनए बनेगा तो एडिनिन से क्या होता है, थाइमिन, बट ये आरएनए है तो थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। टी की जगह क्या होता है, एडिनिन, और ग्वाइनिन की जगह क्या आ जाएगा, साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ ग्वाइनिन। अगर मान लीजिए यहाँ पर अदर कोई सिक्वेंस है या जी ए टी सी ए, तो इससे जो आरएनए बनेगा तो ग्वाइनिन की जगह क्या आ जाएगा, साइटोसिन, एडिनिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल, थाइमिन की जगह आ जाएगा एडिनिन और साइटोसिन के साथ ग्वाइनिन। तो देखिए ये आरएनए बना है और ये भी आरएनए बना, दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, तो आरएनए की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए दोनों स्टैंड्स कॉपी नहीं होती। पहला रीज़न तो ये है, यानी हम कह सकते हैं इफ़ बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट। अगर हम कहें कि दोनों डीएनए की जो स्टैंड्स है वो टेम्पलेट की अकॉर्डिंग काम करेगी तो क्या होगा, दे वुड कोड RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। यानी हम कह सकते हैं दोनों जो RNA बनेंगे वो अलग अलग सीक्वेंस के होंगे। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या होगा, अगर दोनों स्टैंड्स पे बनेंगे तो ये दोनों स्टैंड्स भी आपस में पेयरिंग कर लेगी और RNA कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। यानी हम कह सकते हैं इफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट द न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA become double stranded। ये कैसा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे किया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, इन पॉइंट्स को आप एज ए नोट्स भी लिख सकते हो। इसका रीज़न यही है कि दोनों टेम्पलेट स्टैंड्स हैं वो हम कह सकते हैं कि एज ए टेम्पलेट वर्क नहीं करती। इसका रीज़न आपने देखा, अगर दोनों स्टैंड्स एज ए टेम्पलेट वर्क करेगी तो आरएनए बनेगा, उसमें सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा। सेकंड हमने देखा कि दोनों स्टैंड्स कॉपी भी कर सकती है आरएनए की, तो आरएनए बिकम डबल स्टैंडर्ड। ये आरएनए कैसा हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो ये रीज़न होता है कि दोनों स्टैंड्स जो है वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को।